नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्र बुलेटिन और मैं आपके साथ सागर चौधरी। आज बात करेंगे कि भारत में किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से आलोचना भारत सरकार की हो रही है उसको लेकर राजस्थान में भी एक बड़ा फेरबदल देखने को सामने आया, जिसमें आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लगभग एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया है और 3 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 2,00,000 किसानों के साथ 26 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का भी ऐलान हनुमान बेनीवाल ने किया है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में संसद की समितियों से भी इस्तीफा दे दिया है। बेनीवाल ने कहा कि इस्तीफा आज ही लोकसभा स्पीकर को भिजवाया जा चुका है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को दिल्ली का कूच का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान से 2,00,000 किसान और जवान दिल्ली कूच करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे बेनीवाल ने केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बेनीवाल ने दोहराया कि 2,00,000 की संख्या को हरियाणा पुलिस बॉर्डर भी नहीं रोक पाएगी। बेनीवाल ने संसद की समितियों से इस्तीफा दिया, वहीं बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में संसद की समितियों से भी इस्तीफा दे दिया है। बेनीवाल ने कहा कि इस्तीफा आज ही लोकसभा स्पीकर को भिजवाया जा चुका है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल संसद की उद्योग संबंधी स्थायी समिति, याचिका समिति और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पराश्रमदात्री समिति के सदस्य थे, जिसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एनडीए छोड़ने का भी फैसला 26 को करेंगे। वहीं बेनीवाल ने कहा कि एनडीए को छोड़ने का फैसला 26 दिसंबर के बाद होगा। कल बेनीवाल के जयपुर स्थित निवास पर पार्टी की आपात बैठक हुई, जिसमें पार्टी के 3 विधायकों के साथ ही सभी प्रदेश के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि केंद्र सरकार की मंशा किसान आंदोलन को कुचलने की प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जिद छोड़कर किसानों की बात माननी चाहिए। बेनीवाल ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेगी। बेनीवाल ने यह भी कहा कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव बिना गठबंधन के राजस्थान में लड़ेगी। और ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि राजस्थान से हनुमान बेनीवाल क्या गठबंधन तोड़ते हैं या क्या अमित शाह के साथ मिलकर फिर कोई फेरबदल होता है। लगातार बने रहिए हमारे साथ मरुद्र बुलेटिन में। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।